press the bell icon, never miss an update from Student Gabri. हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रोथर, रोथर जलिस इज माय नेम। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एमबीए के ऊपर, मतलब ऐसे लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए जो एमबीए करना चाहते हैं मध्य प्रदेश से या आसपास की सिटी से। देखिए, सबसे पहले एमबीए में पुणे से भी बहुत अच्छा माना जाता है, दिल्ली से, अलग अलग जगहों से। तो आज हम तमाम इन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे जो मेनली एडमिशन्स होते हैं जून जुलाई के लिए और अप्रैल जून जुलाई में होते हैं, सीमेट के आधार पर होते हैं या फिर जो आपके ग्रेजुएशन के आधार पर होता है। आज हम उनके एमबीए के बारे में बात करेंगे। तो एमबीए बेसिकली आप लोगों को पता होगा दो तरीके से होता था, पार्ट टाइम, फुल टाइम। लेकिन अगर हम फुल टाइम में बात करें, रेगुलर एमबीए में भी बात करें, तो दो तरीके से होता है। वो पहला ये है अटेंडिंग और नॉन अटेंडिंग। ओके, सो अटेंडिंग और नॉन अटेंडिंग क्या है? ऐसे कॉलेज जो कंसीडर करते हैं कि आप जॉब के साथ साथ एमबीए करिए, मतलब आप जॉब तो कर ही रहे हैं साथ साथ में एमबीए कर रहे हैं, मतलब वो आपको कहीं ना कहीं अटेंडेंस में कंसीडर देंगे और अपने जॉब के साथ साथ आप एमबीए कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस, मतलब 90% ऐसे कॉलेजेस हैं जो जॉब के साथ साथ एमबीए करने देते हैं। आप इसमें जो है, अगर आप एमपी के हैं और आपके पास अगर SC ST OBC का सर्टिफिकेट है तो आपको स्कॉलरशिप बेस के भी एडमिशन कराते हैं। मतलब ऑलमोस्ट 90% कॉलेजेस ऐसे हैं जो नॉन अटेंडिंग कॉलेजेस सारे स्कॉलरशिप बेस पे कराते हैं, मतलब आपकी पूरी फीस माफ हो जाती है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और अगर आप नॉन अटेंडिंग में करना चाहते हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा 20,000 रुपये में। ओके, सो 20-22,000 रुपये में आपका एडमिशन हो जाएगा, एनुअल फीस ही आपकी रहेगी। सो कॉलेजेस की एग्जैक्टली फीस 60,000 होती है, बस समथिंग इस कैटेगरी में आप एमबीए यहां से कर सकते हैं नॉन अटेंडिंग कॉलेजेस से। और अगर आप SC ST OBC को हो तो आपको किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगना है। अब हम बात करते हैं ऐसे कॉलेज जो रेगुलर होते हैं, मतलब जो कॉलेजेस कंसीडर करते हैं कि हमें रेगुलर बंदा चाहिए और कहीं ना कहीं प्लेसमेंट पे भी फोकस करते हैं। सो अब इसमें अगर आप मध्य प्रदेश टारगेट कर रहे हो तो कौन से ऐसी जगहों से जहां से आप टारगेट कर सकते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में या तो आप इंदौर को टारगेट कर सकते हैं या भोपाल को टारगेट कर सकते हैं। अगर आप इंदौर कॉलेज को या इंदौर में कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं तो फिर आप वहां पर जा सकते हैं। अगर हम सिक्वेंस वाइज करें तो देखिए, IIM की बात मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वो अलग ही लेवल का कॉलेजेस है। अगर हम बात करते हैं इंदौर में टॉप ऐसे कॉलेजेस को तो आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर है प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रेस्टीज करके कॉलेज है एमबीए का। सो प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आप उसको टारगेट कर सकते हो। इसके बाद है आपका IPS भी आता है, IPS इंदौर, उसको टारगेट आप कर सकते हैं। और इसके बाद है जयपुरिया है, अमेठी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि एक अमेठी कॉलेज है जो इंदौर में है, वो प्रॉपर आपको एमबीए कराता है। लेकिन जैसे प्रेस्टीज की मैंने एक फ़ीस बताई, आपको 1,00,000 एक एनुअली आपको लगेगा प्रेस्टीज और IPS में, मतलब आप एक साल का आपका 1,00,000 का बजट लेके चाहिए। जयपुरिया में समथिंग 1.5-2 लाख के बीच में रहेगा आपका। सो यही चीज़ अमेठी में रहेगा आपका। तो ये थोड़े से इनका जो प्राइस है जयपुरिया और अमेठी का, इनका थोड़ा सा बजट आपको हाई रखना होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, सो IPS हो गया आपका, प्रेस्टीज हो गया, जयपुरिया हो गया, अमेठी इंस्टीट्यूट हो गया। अब हम अगर भोपाल में बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है आईपर कॉलेज, राइट। सो आईपर और प्रेस्टीज कहीं ना कहीं, अगर आप इंदौर से कर रहे हैं तो प्रेस्टीज से करेंगे, आई भोपाल से कर रहे हैं तो आईपर, इट कैन बी द बेटर ऑप्शन फॉर यू। अब चलिए, इसके बाद अगर हम जैसे इसको भी कैटेगरीज वाइज अगर रखें तो हमने A+ कैटेगरीज में जो मैंने अभी कॉलेज आपको बताया हम इनको रख सकते हैं। B+ कैटेगरीज में अगर हम जाएं, सो अगर आप भोपाल से करना चाहते हो और आपको आईपर नहीं मिल रहा है तो आप VNS कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं, VNS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। सो जो A+ कॉलेजेस है ना, इनमें फीस आपकी कम नहीं होना है। लेकिन अब जैसे B+ कॉलेजेस हो गए, VNS हो गया, ओरिएंटल हो गया आपका, LNCT हो गया, ये कॉलेजेस जो हैं आप फिर इनको टारगेट कर सकते हो। बी में आप सबसे पहले VNS को रखिए ऊपर, अगर आप प्लेसमेंट भी देख रहे हो, सारी चीज़ देख रहे हो, कहीं ना कहीं बाकी सबसे बेटर है। आईपर के बाद VNS का नंबर आता है, तो आप VNS को टारगेट कर सकते हैं। VNS के
बाद आप सोच सकते हैं ओरिएंटल कॉलेजेस के बारे में, और फिर इसके बाद एलएन सिटी हुआ, आप सागर हुआ, सिस्टेक हुआ, सो ये तमाम ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। आईटीएम ग्वालियर हुआ, सो ये एमबीए के लिए इट कैन बी द गुड ऑप्शन फॉर यू। अब इन कॉलेजेस में जो आपकी फीस है, एग्जैक्टली जो फीस लगना है वो काफ़ी कम लगती है। ओके, सो यहाँ पर आपको जो बी कैटेगरी के कॉलेजेस में यहाँ पर फीस आपकी मान लीजिए 60,000 भी है तो आपको लगेगी 30,000-40,000, दैट्स वुड बी द मैक्सिमम। ओके, सो ये एक प्लस पॉइंट होता है। और इसके बाद तमाम ऐसे कॉलेजेस आते हैं जहाँ पर यू नो जितने भी कॉलेजेस हैं वो TIT और आप बाकी कॉलेजेस की बात करें, सो इनके बाद अगर आप कोई भी कॉलेज चूज करना चाहते हैं, MK पोंडा, KNP कॉलेज और मित्तल, देर आर लॉट्स ऑफ कॉलेजेस राइट। सो ये सारे कॉलेजेस में स्कॉलरशिप और 20-22 हज़ार की फीस में आपका हो जाता है। सो ABC एक कैटेगरी इसको हमने बांधा हुआ है, एक बनाया हुआ है जिस कैटेगरी को आप चूज़ करना चाहते हैं। सो A+ कैटेगरी में जो मैंने 5 नाम बताए थे ऊपर के, इंदौर के 4 कॉलेज और एक भोपाल का कॉलेज, उसके बाद अगर आप कोई कॉलेज चूज करना चाहें तो आप VNS चूज़ कर सकते हैं, सब में अच्छा ये एक कॉलेज है इनके बाद। और उसके बाद अगर आप चूज़ करना चाहें तो ओरिएंटल, LNCT, आप TIT, SIRT, सिस्टेक, इन कॉलेजेस में तो कोई कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। और फीस अगर इनकी आपको हाई लग रही है तो बहुत ही कम हो जाती है इनकी फीस। और उसके बाद हम अगर चूज़ करें तो उसके बाद हम चूज़ कर सकते हैं जो तमाम ऐसे कॉलेजेस हैं, भले वो कुछ भी RKDF हो, MK पोंडा हो, या फिर आपका यू नो मित्तल कॉलेज हो, ये तमाम बहुत सारे कॉलेजेस फिर एक ही कैटेगरी में आते हैं। सो गाइज, आई होप आपको एक समझ में आया होगा कि आप MBA अगर आप करना चाहते हैं तो कहां से आप कर सकते हैं। ये B और C कैटेगरी कंसीडर कर लेंगे आपको जॉब के साथ भी, लेकिन जो मैंने A+ कैटेगरी बात आपको बोला, सो वहां पर आपको रेगुलर क्लासेस ही देनी पड़ेगी। ओके, VNS का थोड़ा सा ऐसा है कि वहाँ भी आपको रेगुलर एक जाना पड़ता है, तो ये एक प्लस पॉइंट भी आप बोल सकते हो, माइनस पॉइंट भी बोल सकते हैं। सो VNS में 2 कॉलेज हैं जिसमें एक अटेंडिंग, एक में नॉन अटेंडिंग बुक करते हैं। सो आई होप आपको काफ़ी इसमें समझ में आया होगा सारी चीज़ें और ये हेल्पफुल रहा होगा आपका। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, अगर किसी भी तरह की क्वायरी हो या किसी कॉलेज की फ़ीस को जानना चाहते हैं कि इस कॉलेज की एग्जैक्टली MBA के लिए ये फ़ीस है कितनी, क्या कम हो सकती है या फिर कितनी एग्जैक्टली लगेगी, जो हमारे सर्वे के आधार पे वो हम आपको बताएंगे। नीचे नंबर दिया गया होगा 9115002, उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं और अपना व्हाट्सएप करिएगा, इट विल बी वेरी इजी फॉर अस। सो गाइस, इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया। थैंक यू वेरी मच।